ऐसा है देखो, बोलिए उसी के अंदर ये सर्प निकला है। उन्हें अपने सूझबूझ से ध्यान दिया और इसको। हेलो दोस्तों और नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं आ चुका हूँ शाहजहाँपुर सिटी से 22-23 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ एक विद्यालय है, विद्यालय के अंदर सर्प बैठा हुआ है जो रूम के अंदर है। यहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और सांप उसी के अंदर बैठा हुआ है। चलिए दोस्तों हम उसको निकाल के दिखाते हैं कौन सा सर्प है। दोस्तों इसमें अधिकतर खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए पहले उनसे जानकारी लेंगे जिन्होंने मुझे फोन किया है। फोन किसने लगाया? जाल प्रधान अध्यापक रजनीश कुमार। थाना। दोस्तों ये विद्यालय अजीतपुर में पड़ता है, इसी के अंदर सर्प बैठा हुआ है। ये यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं। और किस समय सर्प देखा गया था? सर आपको फोन किया बस उसी समय। अच्छा उसी समय देखा गया। बस वो भाई साहब अलमारी खोल रहे थे। हाँ तो एक पल्ला खुल पाया, वो एकदम खुला देते तो बंद की तरफ चला जाए, दूसरा खुल जाता तो इन्हें काट लेता। यानी हादसा होते होते बच गया। हादसा होते होते बच गया। दोस्तों अलमारी के अंदर सर्प है, जहाँ हादसा होते बच गया, क्यूब अलमारी जो खोली उसी में सर्प बैठा हुआ है। चलिए अब निकाल के दिखाते हैं कौन सा सर्प है, किस वाली में। जाओ रहा बच्चों, यहीं पर बच्चों की पढ़ाई चलती है, यहीं पर कितने किताबें बुक वगैरह सब रखी हुई हैं। नीचे वाले में कोने में बैठा है। दोस्तों ये इंडियन स्टेपल कोबरा है। इन्होंने जैसे अलमारी खोली है उसी के अंदर ये सर्प निकला है। देख लीजिए दोस्तों, दोस्तों इसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल की है, ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे अलमारी जो खोल रहे थे उसी समय हादसा हो जाता। उन्हें अपनी सूझबूझ से ध्यान दिया और इसको। कोबरा है, हटो। बच्चों इसका नाम पता है आपको क्या है? ये तो हिंदी में, क्या आप लोग इंग्लिश में नाम जानते हो इसका? कोबरा। इंग्लिश में नाम जानते हो? इनको इसको इंग्लिश में नाम इंडियन स्टेट ऑफ कोबरा बोला जाता है। और अब इसका नाम भारतीय नाम हो गया, जब से इंडियन हटा दिया गया है अब अपनी भारत का भारतीय ही बोला जाएगा। और इसका साइंस में जो नाम है वो नाजा नाजा है। बच्चों पीछे रहना, इधर तुम हटो ना, आगे आगे सर, आगे सर, हटो। डरना मत, डरना मत, डरना मत। ए, शोर मत करो ज्यादा। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम जहर पाया जाता है। ये सर कभी भी बाइट करता है तो सीधे झाड़ फूंक तंत्र में तो ना पड़िएगा, सीधे जिला अस्पताल जाइएगा। हमारे वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना है कि मतलब कभी तंत्र मंत्र में ना पड़े, सीधे डिस्ट्रिक्ट। सर्प सबसे ज्यादा किस रंग से नफरत रखता है पता है बच्चों? नीला। सर्प सबसे ज्यादा नफरत जो रखता है वो काले कपड़े से रखता है। काला पिन्नी हो या काला कपड़ा हो उस पर बार 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 करेगा ये। हाँ।
ऐसा है देखो, देखो क्या डिब्बा है। अरे ये नहीं प्लास्टिक वगैरह कहाँ रखे आ गए, चार साल की इससे ऊपर का नहीं है। जाओ बाहर तुम्हें डालो। हाँ देखो ये बाहर पड़ोगे वैसे इसके काटने से कुछ नहीं होता है मास्टर साहब, बस इंसान मर जाता है और कुछ नहीं होता है। और कुछ नहीं होता है, ये समय पर इलाज ना मिला तो हमारी विशेष घर में काट लिया वो तो तुरंत जिला अस्पताल चले गए। भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना ही सबसे बड़ी सूझबूझ है, झाड़ फूक पड़ेगा वो ठीक हो गए। यही तो है, आज गाँव में लोग सबसे ज्यादा झाड़ फूक में पड़ता है, तंत्र मंत्र झाड़ फूक में ज्यादा पड़ता। चलिए दोस्तों पैक करते हैं और इसको ले जाके जंगल झाड़ी में दूर जाके छोड़ देंगे। जैसे हम लोग पैक करते हैं, कभी इसका पैक हमेशा सर को पैक करते समय ही हादसा होता है। कोई ऐसी चीज है छुरी वगैरह सुराख बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए मास्टर साहब, ये सर बाइट कर लेता मात्र 40 मिनट इंसान की मौत हो जाती। खोलने कौन गया था? हम वहीं पे बैठे थे, मेज पड़ी थी जी जी, तो भाई साहब से हमने कहा कागज निकालो पड़े तलवारी से। अच्छा, तो उन्होंने एक पल्ला खोला, मेरी नजर पड़ गई नीचे, वो इधर से उधर गया। हमने लाला भाई साहब से दोस्तों मास्टर साहब की सूझबूझ से एक हादसा टहल गया। अभी मेरे यहाँ पर अजीत का नाम ईशापुर में एक बच्चे को बाइट कर लिया और उसकी मृत हो गई, लेकिन वो भी मृत नहीं होती यदि वो झाड़ फूंक में ना पड़ती। वो झाड़ दोस्तों ये जीवन में पर्यावरण के काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पर्यावरण में रहेंगे तभी अपना पर्यावरण बचा रहेगा, नहीं तो देख ही रहे सजा क्या मिल रही है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है दोस्तों, इसमें अपना योगदान निभा सकते हैं। इसमें जामुन आम लोग खाते हैं, उसे सुखा लीजिए और फिर कहीं अच्छी जगह जंगल में जाकर छोड़ दीजिए, जिससे कि उसकी सड़क किनारे डालते जाइए, जिससे वो जम जाए। आप लोगों का एक पौधा भी जम गया तो आपका एक वृक्ष बढ़ जाएगा, समझ लो 2 एशियों के बराबर काम करेगा। चलिए दोस्तों इसको ले जाकर जंगल झाड़ी में छोड़ते हैं।